नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के अनुसार बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबरन कब्जे के तहत उस संपत्ति का मासिक किराया एवं मासिक भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी है चीफ जस्टिस केवी चंद्रन एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रविशंकर की अपील याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्णय सुनाया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारत हमेशा द्वीप राष्ट्र को अच्छा मित्र रहा है। मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम सियुना कितनी खतरनाक भाषा बोल रही है, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनावों के पहले भाजपा बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंकने में अभी से सक्रिय है। इसी क्रम में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 10 जनवरी को बिहार पहुंचने वाली है। पटना में भाजपा के मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी शामिल होंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा अपने स्थानीय नेताओं को इस प्रकार के गुर सिखाना चाहती है, इसमें मीडिया से कैसे रूबरू होना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे प्रभावशाली तरीके से पेश करना है, भाजपा से कैसे आम लोगों को जोड़ना है, इसे लेकर इस कार्यशाला में अहम सुझाव दिए जा सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट एकदम से डराने वाला है, क्योंकि उसका कहना है कि उत्तर भारत में इस हफ्ते भी ठंड का प्रकोप कम नहीं होगा और लोगों को गलन भरी सर्दी का सामना करना ही पड़ेगा। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में प्रचंड ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत बल और रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब की गई है, साथ ही पदस्थापन का भी जानकारी मांगा गया है। 20 जनवरी 2016 से अब तक सरकारी सेवाओं में सभी तरह के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35% 36 आरक्षण के आलोक में नियुक्त की गई महिलाओं की संख्या भी मांगी गई है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ऋषभ पंत से एक खास बॉन्डिंग है। पंत अक्सर धोनी के साथ छुट्टियां बिताते दिखाई देते हैं और क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे बड़े मौकों पर भी अपने आदर्श धोनी के साथ दिखाई देते हैं। धोनी भी पंत का पूरा ख्याल रखते हैं और इस बार जब पंत की बहन साक्षी की सगाई का मौका था तो धोनी भी इस कार्यक्रम में दिखाई दिए। यहां धोनी ने साक्षी और उनके होने वाले पति अंकित चौधरी को बधाई देते हुए मौज भी ली, जिस पर पार्टी में आए सभी मेहमान खिलखिलाकर हंस दिए। आईसीटी लैब के साथ 4 और श्रेणियों में स्कॉच अवार्ड के लिए शिक्षा विभाग का नॉमिनेशन किया गया है। कमांड और कंट्रोल सेंटर बिहार में स्कूल शिक्षा को सही मार्ग पर लाना, फ्री फैब संरचना के साथ कक्षाओं की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना, सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब की स्थापना और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से अवगत कराना, विद्यालयों में छात्रों के लिए सफाई और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना शामिल है। सऊदी अरब ने 2024 की हज यात्रा के लिए भारत के 1.75 लाख तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया है। रविवार को भारत और सऊदी अरब के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत इस साल 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ जिद्दा में सऊदी हज के और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए। बिहार देश के लिए एक बार फिर नजीर साबित हुआ है। सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में चल रही इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनकी यात्रा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 22 वर्षों के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहली ब्रिटेन यात्रा होगी। इस यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक व सुरक्षा साझेदारी को बल मिलेगा। उम्मीद है कि लड़ाकू विमानों के विकास समेत अन्य सैन्य मंचों में साझेदारी के मुद्दे पर भी बात आगे बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राजनाथ अपने ब्रिटिश समक्ष ग्रांड साप्स के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। अंबानी ने एक बार फिर अपना खोया हुआ रुतबा हासिल कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 3 दिन पहले ही यह रुतबा उनसे गौतम अडानी ने छीन लिया था। दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में गौतम अडानी 94.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर है, जबकि अंबानी 12वें स्थान पर है। उनकी कुल संपत्ति 97.5 अरब डॉलर है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान न्यूयॉर्क में माता की चौकी समारोह में शामिल हुए। समाचार एजेंसी ANI द्वारा साझा की गई वीडियो में दिलीप चौहान को माता रानी की आरती करते देखा जा सकता है। यह माता की चौकी शहर के गीता मंदिर में आयोजित की गई थी। इस बीच मंदिर के पंडित ने मेयर एरिक एडम और दिलीप चौहान को शॉल पहनाकर सम्मानित किया।
भारत और मालदीव के बीच चल रहे मौजूदा विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप वाले पोस्ट पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत मालदीव सरकार से की थी। अब 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। घरेलू बाजार में आज सोने चांदी के भाव में मामूली कमजोरी देखी जा रही है। सोने चांदी के भाव में गिरावट ग्लोबल मार्केट में भाव में कमजोरी की वजह से देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना 2.63 डॉलर की कमजोरी के साथ 2043 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी 0.07 डॉलर की गिरावट के साथ 23.12 डॉलर प्रति औंस पर है। वहीं चांदी 0.07 डॉलर की गिरावट के साथ 23.12 डॉलर प्रति औंस पर है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट पर दिए रेट के मुताबिक आज सोने चांदी के भाव में नरमी दर्ज की गई है। राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर किया जाएगा। खबरों के मुताबिक दुनिया भर में विभिन्न भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान पहली बार नियंत्रण रेखा के नजदीक ऊंचाई वाले कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर रात में सफलतापूर्वक उतरा। कारगिल हवाई पट्टी पर सामरिक परिवहन विमान को रात के समय उतारा जाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इस विमान पर गरुड़ कमांडो सवार थे। वायुसेना के विमान पहले भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भर चुके हैं और यह पहली बार था कि कोई परिवहन विमान रात में इस हवाई पट्टी पर उतरा। एक और जहां भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो वहीं भारतीय शेयर बाजार भी नए शिखर पर पहुंच चुका है। बीते साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर में हर रोज सेंसेक्स और निफ्टी ने नए मुकाम हासिल किए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशक यानी FPI लगातार मेहरबान बने हुए हैं और लगातार पैसे लगा रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वान्वित FPI ने जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में शेयर मार्केट में 4,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। GST अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान दिसंबर 2023 तक 8 महीनों में 44,015 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में शामिल 29,273 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है। इससे 4,646 करोड़ रुपए का राजस्व बचाने में मदद मिली। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला, जिनमें करीब 12,036 करोड़ रुपए की संदिग्ध ICT चोरी में शामिल थी। 22 जनवरी को राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खबर आई है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में रामरथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पेरिस में रहने वाले अविनाश मिश्रा नाम के यूजर ने रामरथ यात्रा के बारे में डिटेल साझा की। उन्होंने लिखा, 21 जनवरी 2024 को पेरिस में रामरथ यात्रा। फ्रांस में रहने वाले हम भारतीय पूरे पेरिस में रामरथ यात्रा और एफिल टावर पर बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन करके अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होंगे। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो अपना गगनयान मिशन वर्ष 2025 में लॉन्च करेगा और इसके तहत 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न कक्षा में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। इसके तहत यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण है और मिशन से जुड़ी कई परीक्षण उड़ानें इस वर्ष पूरी कर ली जाएंगी। बीमारियों के भारतीय नामों को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी कामयाबी मिली है। अब अमेरिका, चीन, जापान और यूके सहित सभी देश बुखार से लेकर अन्य सभी तरह की बीमारियों से भारतीय नाम भी जान सकेंगे और शोध व अनुसंधान में इनका जिक्र भी करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नामक एक सूची तैयार की है, जिसमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की शब्दावली को शामिल किया गया है। 2024 के अपने पहले T20 असाइनमेंट में टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इस सीरीज में 2024 T20 वर्ल्ड कप टीम की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। 11 जनवरी से शुरू होने वाले इस सीरीज के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीमों का ऐलान हो चुका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मैच 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें इंदौर जाएंगी, जहां दूसरा T20 खेला जाएगा। सीरीज का अंतिम व तीसरा T20 बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी मैच शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट डाकघरों के जरिए भी बदला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी डाकघर से RBI के इश्यू ऑफिस में 2000 रुपए का नोट ले जाकर अपने पोस्टल खाते में जमा करा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चलन से वापस लिए 2000 रुपए के नोटों को डाकघरों की मदद से बदलने की सुविधा प्रदान करा दी है। अर्थव्यवस्था खपत में कम वृद्धि की चुनौती का सामना कर रही है। इसकी प्रमुख वजह है उच्च महंगाई का निम्न आय वर्ग के लोगों का प्रभावित करना। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अब सामान्य से कम मानसून और उच्च वैश्विक तेल कीमतों के दोहरे झटके से निपटने की झाड़ू क्षमता रखती है, लेकिन खपत बढ़ाने के लिए महंगाई को नीचे लाना एक बड़ी चुनौती है। महंगाई घटने पर ही लोगों के हाथ में खर्च के लिए अधिक पैसा आएगा।
विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है। बॉलीवुड के साथ पाकिस्तानी कलाकार भी फिल्म को पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्टर बिलाल कुरैसी ने सोशल मीडिया पर 12th फेल की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है। बिलाल ने अपनी स्टोरी पर लिखा, जस्ट लव्ड इट, काश हम भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते, हमारे समाज की भलाई के लिए बहुत जरूरी विषय है। सिर्फ बिलाल ही नहीं बल्कि बाकी देशों के कई एक्ट्रेस ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की है। अगर आप कार खरीदने या किसी अन्य काम के लिए बैंक लोन लेने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। होम लोन को छोड़कर कुछ खुदरा ऋणों पर ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं। कई बैंकों ने अपनी उधार दर की लैंडिंग प्राइस में संशोधन किया है। हालांकि बैंकों ने अपने होम लोन का रेपो रेट से जोड़ दिया है। शीर्ष बैंक ने उधार रुख अपनाते हुए फरवरी 2023 रेपो रेट को स्थिर रखा है। अभी तक कोई अन्य किसी ऋण को इसके साथ नहीं जोड़ा गया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तमिल बहुल चाफना का दौरा करके क्षेत्र के विकास पर व्यापक चर्चा की और रविवार को श्रीलंका एवं भारत के बीच भूमि संपर्क बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्वोत्तर मन्नार और दक्षिण भारत के बीच पुल बनाने के बारे में चर्चा की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि विक्रमसिंघे ने मन्नार और दक्षिण भारत के बीच भूमि संपर्क कायम करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी तथा वह एक पुल बनाने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। अपराध भले ही गुजरात में हुआ हो लेकिन महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर और आईटी हार्डवेयर के लिए आयात निगरानी तंत्र लागू करने के भारत के निर्णय पर इस हफ्ते होने वाली व्यापार नीति फोरम की बैठक में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चर्चा हो सकती है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का हवाला देते हुए आईटी उपकरणों के आयात के लिए निगरानी व्यवस्था लागू किए पर अपना रुख स्पष्ट किया है। इसके बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर से इस निर्णय के पीछे के तर्क पर स्पष्टीकरण की मांग है। हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ द्वीप देश के निलंबित मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद इजी माई ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ान बुकिंग को निलंबित कर दिया है। अब निलंबित मालदीव के मंत्री को अशोभनीय टिप्पणियों का करारा जवाब देते हुए इजी माई ट्रिप के सहसंस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशांत पिट्टी ने कहा कि ट्रैवल कंपनी देश के गौरव के साथ खड़ी है और उसने मालदीव के लिए सभी उड़ान बुकिंग को निलंबित करने का फैसला किया है। हमारे द्वारा पूछ गया सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछ गया सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, नौशद राजा, दीपक, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकार की ओर से और किस क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।